बिहार के जिला खूंटी में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक करने गई 5 युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग गांव की है, जहां एक विद्यालय में नुक्कड़ नाटक कर रही युवतियों को जबरन 4 लोग गाड़ी में उठाकर ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार इन युवतियों को लेकर अपहरणकर्ता पास के जंगल में चले गए। इस दौरान उन लोगों ने टीम में शामिल 5 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया और लगभग 3 घंटे के बाद अपहरणकर्ताओं ने टीम के सभी सदस्यों को छोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद DIG ने उपायुक्त और SP को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़िताओं की सुरक्षा और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी भी प्रशासन को सौंपी है। घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। जो भी करंट अब तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो पाया आपने सर, वो बता दीजिए क्या मामला है। सामने दुष्कर्म गैंगरेप की मामला सामने है। एक का मेडिकल हो गया है सर, बाकी लोग कहाँ है, क्या स्थिति है? जांच अभी इस मामले में चल रहा है और दुष्कर्म का मामला तो सामने आया है। कितने लड़कियां हैं? लड़कियों की संख्या 5 है। कितने आरोपी रहे होंगे? घटनाक्रम क्या है सर, कहाँ गई थी लड़कियाँ, कहाँ पे लड़के कितने? अभी तक लड़के 4-5 की बात आ रही है, लेकिन 3 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात आ रही है। जब सभी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, सभी कड़ी को जोड़ा जा रहा है कि वो विजिट करने का प्रयास हो रहा है, वहाँ पे जो तथ्य है उसके बाद आगे बात। बाकी लड़कियाँ कहाँ है सर, कुछ बाकी लड़कियों के बारे में? बाकी लड़कियों को कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों का बयान लिया जा रहा है। पता है क्या कर रही है उपायुक्त खूंटी अपने नेतृत्व में? जो विक्टिम्स है उनकी रिहैबिलिटेशन का पूरा कार्य स्वयं देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और जो आगे के लीगल जो प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में हम लोगों ने काफ़ी देर तक विचार विमर्श किया है और प्राथमिकी दर्ज कर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो प्रक्रिया भी चल रही है। जो इसमें जो जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उसमें से कुछ लोगों की पहचान जो है अपुष्ट पहचान अभी तक हुई है और उसकी सत्यापन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वहीं दुष्कर्म की घटना का वीडियो बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। आरोपियों ने युवतियों को घटना का जिक्र करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी है। फिलहाल मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी में जुट गई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में पाथलगद्दी समर्थकों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। पंजाब केसरी TV के लिए खूंटी से नीरज कुमार की रिपोर्ट।